लखनऊ में 23 घंटे से एक वकील का परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 4 साल पहले उनके घर के एक युवक का अपहरण हुआ था, लेकिन आज तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाई। एक बच्चे समेत 6 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हैं और यूपी सरकार और पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पेट्रोल की बोतल लेकर आत्महत्या की भी धमकी दी जा रही है। परिवार ने पूरी रात टंकी पर ही गुजारी। पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार अब तक पानी की टंकी से नहीं उतरा। वहीं परिवार डीजीपी और सीएम को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा है।